टिप्पणी केंद्रों का उन्नयन हो, समय पर भवन किराया दिए जाने जैसी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर गुरुवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने एकजुटता दिखाई। सैकड़ों की संख्या में पहुंची कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांगों के निराकरण की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में मांग की है कि महिला बाल विकास विभाग के तहत कार्य कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी कार्यकर्ताओं को हर 5 तारीख को मानदेय और भवन किराया का भुगतान किया जाए, जिसमें सेवाएं निर्बाध रूप से चलती रहे। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन कर मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पूर्ण कार्यकर्ता और सहायिका को भी समस्त शासकीय सुविधाएं दी जाए। जुलाई 2023 से सेवानिवृत्त हुई कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति राशि एक मुश्त दी जाए। इसके अलावा 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा का लाभ भी दिया जाए, जैसी अन्य मांगे शामिल है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। हमारी समस्याएं तो बहुत है, लेकिन खास समस्या ये है, खास तो हमारी ना जो मिनी कार्यकर्ता बहने हैं, वो उनको ना तो सहायिका उपलब्ध है, ना कोई सी सुविधा है। वो है ना आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काम भी वो करती है और सहायिका काम भी वो करती है, तो उन्हें मेन कार्यकर्ता बनाई जाए और साथ में उन्हें सहायिका प्रदान की जाए और मेन कार्यकर्ता के बराबर उन्हें सारी सामग्री प्राप्त की जाए। और सेवा जो सेवानिवृत्त कार्यकर्ता हो गई है 60 वर्ष 62 वर्ष के बाद, तो उन लोगों को अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 1,25,000 कार्यकर्ता को और 1 लाख रुपए सहायिका को दिया जाएगा, लेकिन हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।